नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे हैं? जिंदगी में पहली बार तमिलनाडु स्टेट चेन्नई पहुंच गई तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। 11 बज गए अभी। वैसे उत्तर भारत में तो हिंदी की वजह से कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो इतना नहीं है, इसलिए समझने की कोशिश करना पड़ता है कि क्या क्या टैक्सी कैसे पकड़ना है वगैरह वगैरह। जो भी है, चेन्नई पहली बार घूम के थोड़ा थोड़ा वीडियोस बनाती रहूँगी, तो उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आए। तो शुरू करते हैं। तो विजय करना है, ठीक है? विजय, हाँ। तो शुरू करें। चलो, सबसे पहले पकड़ना है टैक्सी। मेरी बारी आ गई। टैक्सी टैक्सी, यहाँ के इल्यूमिनेशंस बहुत सुंदर है। पता नहीं यहाँ हमेशा ऐसा है या क्रिसमस के बाद ही ऐसा है। होटल पहुँच गए हैं हम। तो अभी से कमरा निश्चय करेंगे। रॉक पेपर सीजर फाइट इज ऑन। लड़कियां जीत गई। अरे मैं हार गई। सबसे पहले पीरो कमरा चुनेगी। पीरो के लिए महत्वपूर्ण है शवर हेड। हाँ, इसको ये वाला चाहिए था, इसलिए ये कमरा चुन दिया। अब मेरी बारी है। इस कमरे का फ्लोर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है बाथरूम की साफ सफाई और गीजा का साइज, यानी कि गर्म पानी कितना आ सकता है। तीसरा कमरा चेक करके निश्चय लूंगी मैं। साफ सुथरा तो दोनों बाथरूम में है, पर मुझे लगता है यहाँ का गीजा ज्यादा बड़ा है ना? और मुझे लग रहा है ये बेड ज्यादा बड़ा है। नमस्ते, शुभ प्रभात। आज 8 घंटे सोने के बाद उठी, ऑटो आ गई, तो अब 3 नगर जाके कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। और चेन्नई की ऑटो बहुत प्यारी है। 3 नगर मार्केट पहुंच गई हूँ। यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं, अच्छी दुकानें भी हैं, सस्ती चीजें, महंगी क्वालिटी चीजें, सब कुछ मिल जाता है। पूरा शॉपिंग करेंगे। ये देखो कितना लंबा ईयरिंग, इतना भारी है कि कान टूट जाएगा ना। मुझे सुंदर दिखना है, लेकिन इतना कष्ट नहीं उठाना है, ठीक है? ये सब 1,300 रुपए के हैं। बहुत सुंदर है और मुझे लगता है ये सस्ता है। पता नहीं कितना कितने का होता है पता नहीं, लेकिन इतना महंगा भी नहीं लग रहा। ये कपड़े की दुकान है जो रिकमेंड किया गया था। चलो साड़ी वगैरह खरीदेंगे। दुकान के अंदर जाते ही यहाँ के लोग पूजा कर रहे थे। वैसे मेरे लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों के लिए दुकान के अंदर भगवान की पूजा करना ये बहुत नया अनुभव है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा मौका मिलके। बेसमेंट से 6th फ्लोर तक कपड़े ही कपड़े। अरे ये सब देखने के लिए एक दिन काफी नहीं है, मैं क्या करूं? मद्रास चिक साड़ीज, अरे सब बहुत प्यारे हैं। ये हाफ साड़ी है ओडिसी के लिए, मतलब ये तो शायद भरतनाट्यम के लिए होगा, पर हाफ साड़ी तो है प्रैक्टिस साड़ी। तो 2 हाफ साड़ी मैंने दी हैं, क्योंकि मेरी गुरुजी को भी कुछ गिफ्ट में देना चाहती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। हाथी, मैंने साड़ी खरीद ली। शॉपिंग करते करते मुझे भूख लगी है, तो चलो लंच खाएंगे। ये केरला फूड रेस्टोरेंट है। दोस्तों को फ्रेश लाइम सोडा का परिचय देना मेरा कर्तव्य है। मुझे फ्रेश लाइम सोडा बहुत अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा लगता है। ये चिकन है, प्राउन, कोकोनट करी और लच्छा पराठा। ये प्राउन है, नारियल सॉस बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ। ये कलप्पम नामक केरल का पारंपरिक नाश्ता है, मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट ब्रेड है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिश करी,
ये भी कलापम के साथ खाऊंगी। फिश करी थोड़ा सा खट्टा है, बहुत अच्छा है। खूब खाना खाया, अब और थोड़ा सा शॉपिंग करने चलते हैं। हमें पता चला कि दक्षिण भारतीय लड़के के मैनेकिंस बहुत ही मस्कुलिन होते हैं, बहुत बड़ा है शरीर, बहुत मजा आता है। दक्षिण भारत में तो फिल्टर कॉफी पीनी है ना। मैं जापान में अक्सर चाय से ज्यादा कॉफी पीती हूँ, कॉफी बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। खिलाओगे भैया? यह चीकू। चीकू जापान में नहीं है, इसलिए काकेता को और पीरो को चीकू मालूम नहीं था। लगता है दोनों को चीकू अच्छा नहीं लगा। ठीक है यार, चलता है ऐसा। थैंक यू भैया नंदरी। हमने सारी ब्लाउज भी खरीदी है, और बढ़िया बात ये थी कि यहाँ के लोग राजस्थान से थे, यानी कि उन लोगों को हिंदी आती थी, तो हमें हमारे लिए शॉपिंग करना आसान हो गया। बाय बाय। तो मैं आ गई हूँ अरुलमिगु मारुंदीश्वरारु मंदिर। फिर से बताऊंगी, अरुलमिगु मारुंदीश्वरारु मंदिर आ गई हूँ। तो ये वैसे आप देख सकते हैं दक्षिण भारतीय हिंदू मंदिर उत्तर भारतीय हिंदू मंदिर से कुछ अलग है, कुछ फर्क है। चलते हैं, चप्पल उतार के चलते हैं। ठीक है, समझ गई। ये मंदिर जाने का समय भी बहुत बढ़िया था। देखिए ये सनसेट के समय और भी सुंदर लग रहा है ना। ये शिवा मंदिर है, मंदिर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शिवा लिंगास थे। मैं अच्छे से प्रार्थना करके आई, पूरी तरह से मंदिर देखकर वापस जा रहे हैं। दक्षिण भारतीय मंदिर कुछ अलग सा, बहुत मजा आ गया। So how was it? I was so excited to see the gods and prayers and yeah, nice experience. Thank you, Mayo. Thank you. हम आ गए हैं चेन्नई का एक जापानीज लैंग्वेज स्कूल। आज यहाँ पर जापानी लोग और भारतीय लोग साथ में पोंगल मना रहे हैं, इसलिए हम भी बुलाए गए। और पोंगल भी बन रहा है। मैंने आज तक पोंगल नहीं खाया, और इस बार पहली बार बनाऊंगी और खाऊंगी। いただきます। आ गया पोंगल खाना। पोंगल के साथ बनाना चिप्स भी है, चटनी भी है, वड़ा भी है, सब बहुत अच्छा था। मुझे लगा मैं घर का खाना खा रही हूँ, मतलब ये स्कूल है और पता नहीं किसने वड़ा बनाया, पर इस खाने में ज्यादा मिर्ची तेल नहीं था, इसलिए घर के खाना जैसा स्वाद था, बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद हम बिहाइंड वुड्स का स्टूडियो गए मीडिया इंटरव्यू देने के लिए, और कुछ तमिल फ्रेजेस भी सीखे हैं। So can you teach us some dialogues? Senjuran. Yeah, this is actually from Danush movie. Yeah. Senjuran. Yes, exactly. What does it mean? What did Senjuran I say? Means I will make you smash. Wow, dangerous. Namaste. आज कुछ डांस वीडियो शूट करने जा रही हूँ, और आज स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट भी हैं, तो बहुत उत्साहित है। सुंदर बनने की कोशिश करूँगी, मैं कोशिश नहीं करूँगी, श्रीदेवी जी कोशिश करने जा रही है। तो देखते हैं। जापानी मेकअप और इंडियन मेकअप में कई फर्क हैं। आईब्राउज इंडियन लोग ज्यादा स्ट्रॉन्गली लिखते हैं, और जापानी लोग सॉफ्ट आईब्राउ बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं, और इंडियन मेकअप में ज्यादा आईलाइन भी लगाते हैं। जापानी लोग ज्यादा नेचुरल मेकअप करने की कोशिश करते हैं। इंडियन मेकअप के साथ मैं कैसी दिख रही हूँ? मुझे तो लग रहा है ये मेरा शक्कर नहीं है, बहुत अलग है। ये बहुत सुंदर जगह है, दक्षिणा चित्र हेरिटेज म्यूजियम।
यहाँ पे शूटिंग करने के लिए परमिशन ले सकते हैं। मैंने उस दिन 4 रील्स बनाए थे। अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया होता तो जरूर फॉलो कीजिए, ये रील भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो शूटिंग के बाद हम दौड़ दौड़ के एयरपोर्ट गए और चेन्नई एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट चले गए और दिल्ली में 2-3 दिन रुके। मैं और थोड़ा सा रुकी और दिल्ली के पास एक हरियाणा के गांव भी गए और मैं ओल्ड दिल्ली भी जाके थोड़ा सा वीडियो बनाया था, शॉपिंग किया था। मैं तो वापस जापान, मेरा घर वापस आ गई, तो जापान में बैठ के आराम से एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। ठीक है, आज ये वीडियो यहाँ पर खत्म करूंगी। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेन्नई बहुत ही मजेदार जगह थी, पहली बार जाके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे से खाना खाया, खूब शूटिंग किया, तो बहुत मजा आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।